हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज आपका सॉन्ग जो है वो है काला चश्मा सॉन्ग। और ये जो हम लोग क्लासेज है थर्ड से लेकर एट क्लास के बच्चों के लिए है। और जो काला सॉन्ग का फर्स्ट पार्ट है वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, मुझे आशा है, ठीक है। और स्टेप जो है मैं आपको फिर से एक बार रिटर्न में स्टेप करके दिखाता हूँ, उसके बाद भी सॉन्ग के साथ। फिर जो आज हमारा न्यू स्टेप है और वो भी, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का स्टेप जो था आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेप था। सभी को स्टेप ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे आपका लेफ्ट पैर आएगा एंड जंप। जंप लेने के बाद थोड़ा सा आपने शोल्डर नीचे राउंड राउंड करके आपने डीजे तरह क्रिस्प पिच, ठीक है। ये स्टेप था और जो पार्ट पहले वाला वीडियो का है, अगर आप ये स्टेप आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप अच्छे से देखिए पहले वाले वीडियो को, ठीक है। उसमें आपको काउंट पे स्टेप बाय स्टेप करके रखा है, ठीक है। और जो आज हमने प्रैक्टिस किया स्टेप वो आपके थोड़ा हिप हॉप टाइप में आएगा और वो हार्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब जो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक मैंने प्रैक्टिस करना वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए अच्छे म्यूजिक के साथ। रेडी स्टार्ट। मेरे पास थोड़ा सा ये आपको अच्छे से लगे होगा थोड़ा सा स्टेप। इसमें क्या होता है, अगर जब ये स्टेप करते हैं तो थोड़ा सा खुल के, ठीक है, थोड़ा खुल के स्टेप होता है, पूरे अच्छे से खुल के स्टेप होता है। जितना आपके पास स्पेस है उसमें आपने पूरा खुल के करना है, ठीक है, पूरा अच्छे से ये चीजें, ये खुल के पूरा जितना आपके पास स्पेस है थोड़ा सा खुल के होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसी स्टेप में बताना चाहता हूँ, तो आपने ध्यान देना है कैसे करना है ये स्टेप हिप हॉप में, ठीक है। पहले अपने राइट पैर को आगे की तरफ करना है, पीछे ये हैंड ओपन, फिर आगे तरफ की करके पीछे तरफ, ठीक है। सिंपल इजी मैं आपको बताता हूं, पहले आपने राइट पैर को आगे की तरफ पुश करना है और लेफ्ट पैर को पीछे पे रखना है। कैसे आगे की तरफ पुश करोगे, अगर आप आगे की तरफ ये लेफ्ट राइट पैर को जब आगे पुश करोगे तो जो आपका लेफ्ट पैर है वो पीछे हो जाएगा, वो जो लेफ्ट पैर का जो पोजिशन है वो राइट पैर आ जाएगा। कैसे, आगे पुश करा एंड ये, ठीक है। फिर अपने लेफ्ट पैर को आगे मारोगे इस तरफ और राइट वाले पैर पे जगह पोजिशन ये जीते, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रैक्टिस करते टाइम आपने ये चीज रखनी है। उसके बाद जब आपको लगे कि आपको अच्छे से आ गया है फिर आपने हैंड्स की प्रैक्टिस करनी। कैसे करोगे हैंड्स की प्रैक्टिस, आगे की तरफ आपने पुश करना है पैर को, ठीक है, वो भी राइट पैर आगे की तरफ, थोड़ा तिरछा, ये नहीं कि सामने फ्रंट करोगे, थोड़ा तिरछा होना चाहिए आपका बॉडी क्रॉस में, वी शेप के नीचे, वी शेप, ठीक है, वी शेप के नीचे आपने राइट में आपने आगे की तरफ पुश करना है पैर को और लेफ्ट पैर को पीछे और राइट को लेफ्ट की जगह पे, ये हैंड्स ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लेफ्ट पैर को वी की तरफ शेप में करना है पुश, ये लेके फिर ये सिंपल ही दिया आपने, बहुत ही सिंपल, ठीक है, आगे तरफ ये ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, चार के बाद आगे की तरफ जैसे भंगड़ा स्टेप करते हैं ना, ये चीजें ये वाला स्टेप भंगड़े की जगह आपने क्या करना है, आगे राउंड पैर को क्रॉस, कैसे करोगे ये चीजें, ठीक है, ये चीजें 4 के बाद, ठीक है, 4 के बाद 2 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड राउंड, और ये आपका सर पे हैंड आएगा और यहाँ पे 2 1 2 एंड 3 पीछे थोड़ा पीछे होके, बहुत इजी स्टेप है, आप कर सकते हो और म्यूजिक के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ये चीज सीख लेते हो तो बहुत ही ज्यादा ही आपको हर किसी म्यूजिक के साथ आप कर सकते हो, बीट पे, लिरिक्स पे नहीं, खाली बीट पे कोई भी म्यूजिक हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा, फिर भी आपको मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूँ शुरू से लेके लास्ट तक जो आज आपने प्रैक्टिस करी है काला सॉन्ग पे, ओके। स्टार्टिंग पे कैसे है, 1 2 3 4
प्रैक्टिस करते टाइम ऐसे कीजिए, उसके बाद थोड़ा हैंड्स को ऊपर जाना चाहिए धीरे धीरे करते हुए, ज्यादा ऊपर नहीं सिर्फ इतना, ठीक है। सिंपल स्टेप है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप जो मैंने आपको पहले वीडियो भेजी है आप वो देख सकते हो, और हिप हॉप की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने और पहले भी भेज रखी है वीडियो हिप हॉप से, आप उस पर भी देखो, और ये वीडियो भी आपके लिए बनाया है आप इसमें भी देख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल इजी स्टेप है और सिंपल स्टेप है। कैसे करना है, स्टार्टिंग में राइट पैर को वी की शेप में आपने आगे पुश करना है और लेफ्ट पैर को पीछे रखना है और राइट को लेफ्ट पैर की पोजिशन पे, ओके। ऐसे प्रैक्टिस करते टाइम आप ये चीज करें, ठीक है। प्रैक्टिस करते टाइम जब आपको लगे पैर के पोजिशन आपके सही फास्ट चलने लगे हैं और अच्छे से बीट होने लगे हैं, फिर आपने हैंड्स की प्रैक्टिस करनी है। राइट को अगर पुश करोगे तो ये चीज चलेगी, ठीक है, और लेफ्ट वाले को पुश करोगे तो ये चीज चलेंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी, एंड आगे वन एंड टू एंड पीछे, बस स्टेप क्लियर, ठीक है। और बेटा जितनी जल्दी हो सके अच्छे से प्रैक्टिस करके जो मैंने करवाया है, जब तक आप फीडबैक मुझे रिटर्न में नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ये स्टेप कर चुके हो, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे करते हो तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर आप पीछे वाले भूलते जाओगे और आगे वाले को करते रहोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके, वॉचिंग माई वीडियो, अच्छे से देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत जल्दी आपके पास नेक्स्ट वीडियो आने वाली, ओके बाय।